हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी DHL के बारे में। DHL यानी कि जो तीन अल्फाबेट है DHL, ये तीनों फाउंडर्स के नाम से लिया गया है। डी यानी कि एड्रियन डल्सी से यहाँ डी लिया गया है। लैरी हिल्सबम से यहाँ एच लिया गया है। और रॉबर्ट लीन से यहाँ एल लिया गया है। DHL यानी कि ये तीनों दोस्त थे जो कि अमेरिका में एक पोर्ट पर एज अ शिपिंग एग्जीक्यूटिव जॉब करते थे। तो इनका कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी खड़ा कर दिया इन्होंने, तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे DHL ने एक छोटा सा आइडिया से शुरुआत करके दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो 1969 में एड्रियन डल्सी, लैरी हिल्सबल और रॉबर्ट लीन यानी कि DHL, ये तीनों जॉब करते थे अमेरिका के पोर्ट पर। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि जब कोई भी शिप आता था अनलोड करने के लिए, माल जब अनलोड करने के लिए आता था, तो उसे बहुत सारे टाइम लगते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। तब तक वो शिप पोर्ट पर खड़ा रहता था और उसे वेटिंग चार्ज देना पड़ता था। यानी कंपनी, जो भी शिप कंपनी है या जो शिपर है, पोर्ट पर उन्हें वेटिंग चार्ज देना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा होता था। ये आपको बता दूं कि जो भी शिप पोर्ट पर अनलोड या अनलोड करते हैं, तो जितना देर तक वो पोर्ट पर खड़े रहते हैं, उसे उन्हें चार्ज देना पड़ता है। तो एड्रियन डल्सी, लैरी हिल्सबम और रॉबर्ट लीन ने सोचा कि क्यों ना शिप के आने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया जाए। तो इसी कारण उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने ये सर्विस देना शुरू किया कि शिप आने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। उसके लिए उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट था उसे बाय एयर यानी कि एरोप्लेन से उसे पहले ही पोर्ट तक पहुंचाया जाने लगा, और यही सर्विस उन्होंने शुरू किया। तो जो भी गुड्स या मटेरियल जो शिप पर लोड होते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स शिप के पहुंचने से पहले ही बाई एयर उसे पोर्ट पर पहुंचा दिया जाता था, और उसका वेरिफिकेशन पहले ही, माल के आने से पहले ही हो जाता था। तो यही सर्विस उस समय उन लोगों ने शुरू किया और ये पूरी तरह से हिट साबित हुई। DHL का शुरुआत स्टार्टिंग में सिर्फ एयर कुरियर के रूप में हुआ, और ये कैलिफोर्निया और हुवाई के बीच में एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस के रूप में उभर के आया। और 1969 में ही बैंक ऑफ अमेरिका DHL का कस्टमर बन गया, और उसने अपने जो भी क्रेडिट कार्ड या डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के को पहुंचाना होता था, वो DHL के थ्रू भेजता था। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका DHL का परमानेंट कस्टमर बन चुका था। इससे DHL को ग्रोथ करने में काफी मदद मिली। धीरे धीरे DHL डोमेस्टिक मार्केट में एक एक्सप्रेस कुरियर के रूप में सामने आया। अपने डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा पैठ बनाने के बाद 1971 में DHL ने इंटरनेशनल मार्केट में घुसने का सोचा, और उसके लिए जो DHL के तीन फाउंडर थे, उन्होंने पो चंग को 1971 में हायर किया, जो कि हांगकांग के एक एंटरप्रेन्योर थे। तो उन्हें हायर किया इंटरनेशनल ग्रोथ करने के लिए, इंटरनेशनली DHL को बढ़ाने के लिए। तो 1971 में पो चंग ने DHL इंटरनेशनल का शुरुआत किया, और अब धीरे धीरे पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलने लगा। और 1970 से 80 के बीच में DHL ने ड्रास्टिक ग्रोथ किया। 1974 में यूरोप में पूरा एक्सपेंशन किया, 1976 में मिडिल ईस्ट, 1977 में लैटिन अमेरिका, और 1978 में अफ्रीका में। तो 1970 से 1980 के बीच में DHL ने काफी ग्रोथ हासिल किया। 1980 में DHL के बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर आ गए, फिर भी DHL ने अपने अच्छे स्ट्रेटेजी के कारण मार्केट में बना रहा, और सारे कंपनी को पीछे छोड़ते हुए काफी ज्यादा ग्रोथ लेते रहा। DHL अपने सारे कंपटीटर को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था, चाहे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो, प्लेन का इस्तेमाल हो, ट्रक का इस्तेमाल हो, वैन का इस्तेमाल हो। DHL ने श्योर किया कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे, टाइम पर डिलीवरी करें, क्वालिटी डिलीवरी करें और सेफ डिलीवरी करें, जिसके कारण DHL बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। 1981 में DHL ने 268 शहर में लगभग 1 करोड़ डिलीवरी करके $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। ये आंकड़ा 1983 में बढ़कर $600 मिलियन हो गया, और 1984 में लगभग DHL 125 देशों में फैल चुका था, और ये $1.5 बिलियन का कंपनी 1983 में हो चुका था। 1988 में DHL ने रिकॉर्ड बनाया, और सिर्फ एक साल में DHL ने 1.5 करोड़ डिलीवरी किए। 1990 तक DHL 60% इंटरनेशनल जो मार्केट था उस पर रूल कर रहा था, यानी कि 60% मार्केट DHL के अंदर आ गया था।
1994 में अपना एक्सपेंशन करते हुए, अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए डीएचएल ने इंडिया, चाइना और ताइवान में अपना कदम रखा। आज डीएचएल के पास हजारों वेयर हाउस, 3 लाख इम्प्लॉई और लगभग 200 कंट्री में फैला हुआ साम्राज्य है, जो कि इसे पूरा वैल्यूएशन देता है $55 बिलियन का। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा आइडिया इतने बड़ा पूरे दुनिया में रिवोल्यूशन ला दिया लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कुछ बताना, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपके दिमाग में कोई बिजनेस जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए। तब तक।